मैनपुरी सदर सीट पर विजय प्राप्त करने के बाद आखिरकार नवनिर्वाचित सदर विधायक ने किस तरीके से जनता को धन्यवाद दिया है और क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। नवीन गल्ला मंडी स्थल से प्रमाण पत्र लेने के बाद मैनपुरी सदर विधानसभा सीट पर नवनिर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवनिर्वाचित सदर विधायक काकू जयवीर सिंह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जहां बेबाकी से जवाब दिया है, वहीं उन्होंने जनता का भी कोटि कोटि धन्यवाद किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया है उसका वे हमेशा कर्जदार रहेंगे। उन्होंने क्या कुछ और बताया है ये जरा आप भी सुनिए। आम आदमी गरीब छोटा पिछड़ा पिछड़ा ये सब ने एक मत होकर के उत्तर प्रदेश में प्रय योगी जी के नेतृत्व में कहना चाहेंगे मैनपुरी की विधानसभा जनता ने आपको चुना है। मैनपुरी की जनता को विशेष धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद और निश्चित रूप से हम आशाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। जन जन के कल्याण के लिए विकास के लिए जो बल पड़ेगा करेंगे, मैनपुरी का कल्याण होगा विकास होगा। क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं आपके लिए वो सारा बताए, आपको भी बताए पूरे प्रदेश को बताए। जनपद मैनपुरी वासियों के लिए जनपद मैनपुरी यहाँ गुंडई वाला एकता का राज खत्म होगा, जो अपने को मैनपुरी एकाधिकार मानते हैं उनका कब्जा अपने आप उठ के चला जाएगा। लाखों को जीतने वाले घरों में आ गए, निश्चित उनका राज स्थापित होगा, विकास की दुनिया बहेगी। मंत्री जी आखिरी सवाल, जो कार्यकर्ता आपके साथ था क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, कैसे इनको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा, ये कहाँ से आकलन कर लिया, ये आपका आकलन है क्या जी? कोई नहीं, मैनपुरी हॉट कोई नहीं करेगा। एक मिनट, मैनपुरी हॉटस्पॉट जिला था प्रदेश का, जहाँ एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री और आप पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार के ध्यान लड़ रहे थे, जिस तरीके का यहाँ माहौल था उस स्थिति में आपने आपको जीत मिली है, क्या प्रोफेसर एफ सिंह बघेल के आने से क्या आपको फायदा हुआ है? देखिए सीधा सीधा है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी जी मोदी की डबल इंजन की सरकार की नीतियों रीतियों पर माहौल लगाने का काम किया है। यहाँ वो लोग जो कहते हैं नामांकन के बाद दोबारा आएंगे नहीं, प्रमाण पत्र लेने आएंगे, लाखों की जीत का दावा करने वाले हजारों में सिमट गए, पूरा खानदान नहीं पड़ा रहा, तब कुछ वोटों से जीतने का काम हो सका है, आपको नहीं क्या दिखाई? नहीं नहीं, मेरा कहना है प्रोफेसर एसपी सिंह के बघेल के लड़ने से हमारे पार्टी के नेता हमारी आपके क्या हमारे पार्टी के नेता एक दूसरे को सबको फर्क पड़ता है।